नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं आपके साथ निधि पोखरियाल। भारत का सबसे बड़ा मिशन चंद्रयान 2 पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। 22 जुलाई को लॉन्च होने वाला ये मिशन कब और कहां पहुंचा, इससे भी हम आपको समय समय पर अपडेट करते रहे हैं। मिशन लॉन्च होते ही चंद्रयान 2 पृथ्वी की कक्षा में सेट हो चुका था और धीरे धीरे इसने अपनी सारी कक्षाएं भी पार की। 14 अगस्त को चंद्रयान 2 पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चांद की ओर चल पड़ा था। तो अब इस पर एक और बड़ी खबर आ गई है जिसका आपको ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर को इंतजार था। जी हाँ, इस बार चंद्रयान 2 ने खुद ही धरती को बेहद खास और अलग अंदाज में एक मैसेज भेजा है। ये मैसेज सुनकर आप भी खुशी से फूले नहीं समाएंगे। इसके अलावा मैसेज में क्या कुछ है खास, ये हम आपको बताएंगे। चंद्रयान 2 की हर छोटी से लेकर बड़ी अपडेट को हमसे साझा करने वाले इसरो ने इस बार भी मिशन का ये खास मैसेज हमारे साथ शेयर किया। इसरो ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस मिशन की अच्छी सेहत और शानदार सफर का मैसेज शेयर किया है। इसरो ने ट्वीट किया, हेलो, मैं चंद्रयान 2 हूँ विशेष अपडेट के साथ। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अब तक का मेरा सफर शानदार रहा है और मैं चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 7 सितंबर को उतरूंगा। मैं कहां हूं और क्या कर रहा हूं, ये जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। जी हां, चंद्रयान 2 का ये मैसेज ये साफ बयां कर रहा है कि ये मिशन अपने लक्ष्य को पाने के सही रास्ते पर है। 22 जुलाई को लॉन्च हुआ चंद्रयान 2 अब तक अपनी कक्षा में 6 बदलाव कर चुका है। इसका आखिरी और छठा बदलाव 14 अगस्त को किया गया था। इस छठे बदलाव के जरिए यान को LTT यानी लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री पर पहुंचा दिया गया था। इसके लिए यान के लिक्विड इंजन को 1203 सेकंड के लिए चलाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि LTT होता क्या है। दरअसल LTT वो रास्ता है जिस पर चलते हुए यान चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा और इस पूरे प्रोसेस को ट्रांस लूनर इंसर्शन कहते हैं। LTT पर बढ़ते हुए 20 अगस्त को जब यान चांद के मुहाने पर पहुंचेगा, तब एक बार फिर लिक्विड इंजन चलाकर इसे चांद की कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा। इसके बाद यान को चांद की सबसे नजदीक कक्षा में पहुंचाने के लिए कक्षा में 4 बदलाव और किए जाएंगे। ये नजदीक कक्षा चांद की सतह से करीब 100 किलोमीटर पर होगी। बता दें कि 7 सितंबर को ये मिशन चांद की सतह पर पहुंचेगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।